अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब ईद। फितराना नमाज ईद से कबल अदा करना ज़रूरी है। नमाज ईद के लिए गुसल करना, नए कपड़े पहनना, मिसवाक करना और खुशबू लगाना मुस्तहिब है। तकबीरात बुलंद आवाज़ से पढ़ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नमाज के लिए जाने से कबल ताक तादाद में खजूरें खाना मसनून है। आदाब ईद। ईदगाह की तरफ पैदल जाना सुन्नत है। ईदगाह से वापसी पर रास्ता बदलना मसनून है। ईद के दिन शरीयत की मुखालफत से बचना चाहिए। नमाज ईद। तलुए आफ्ताब के बाद बग़ैर आज़ान इकामत के दो रकात नमाज ईद अदा करनी चाहिए। पहली रकात में 7 तकबीरें और दूसरी रकात में 5 तकबीरें कही जाएं। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ी जाए। ईद का खुतबा नमाज ईद के बाद दिया जाए। नमाज ईद के बाद तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम कहने में कोई हर्ज नहीं। नमाज ईद खुले मैदान में पढ़ना अफजल है।